आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है यार? देखो आप लोग अपना तैयारी अच्छे से करते रहना, ठीक है? और अभी मैं कुछ दिन पहले बताया था इंडियन आर्मी ग्रुप सी का ऑफलाइन भर्ती आई थी, जो कि पूरे भारत के लिए थी, जो मैं नीलेश भाई ब्लॉग चैनल पर सारा वीडियो में बना दिया था। मैं भी उस फार्म को भरा था और वो ऑफलाइन फार्म जब आती है ना, अभी आया है, मैं सारा डिटेल आप लोगों को बता रहा हूँ। सीआरपीएफ का ऑफलाइन भर्ती आई है, कल ही से मतलब उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो आप लोग वीडियो पूरा देखना, ठीक है ना? क्योंकि आप लोगों की ज़िंदगी का सवाल है और मैं खुद तैयारी करता हूँ। मैं खुद मतलब कोई भी फार्म आता है तो सबसे पहले उसको अप्लाई करता हूँ, तैयारी भी करता हूँ। तो यार अपनी वाली तो हम लोग करते हैं, देखा जाएगा जो होगा। आप लोग अपना तैयारी नहीं छोड़ना, ठीक है ना? भर्ती आई थी ग्रुप सी इंडियन आर्मी की, तो मैं सारा कुछ बता दिया था, कैसे फार्म भरा जाता है, कैसे जैसे ऑफलाइन फार्म आता है तो सबसे पहले उस फार्म को भरा जाता है, उसके बाद पोस्ट ऑफिस पर जाकर पोस्ट ऑफिस पर उसको पोस्ट करना रहता है, स्पीड पोस्ट करना रहता है। जैसे कुछ भी आप कर सकते हो, जहाँ मतलब पता उसमें दिया रहता है यहाँ पर पोस्ट करना है तो वहाँ पर पोस्ट कर देना रहता है। और कुछ दिन बाद जैसे उसमें से कॉलिंग लेटर आता है 3-4 महीने बाद, तो उस कॉलिंग लेटर में पोस्ट ऑफिस द्वारा ही घर पर आता है, तो उसमें ये लिखा रहता है आपका दौड़ कहाँ होगा, फिजिकल कहाँ, मतलब सारा कुछ उसमें लिखा रहता है, इतने बजे आना है। तो जो इंडियन आर्मी ग्रुप सी का था मैं सारा कुछ बता दिया था। अभी ये जो सीआरपीएफ की मतलब नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो इसका पता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि ये 30 जून से शुरू होगा और 29 जुलाई तक इसका फार्म भरा जाएगा। ये ऑफलाइन फार्म है, अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है लेकिन अभी फार्म नहीं जारी हुआ है। मैं जैसे ही फार्म आएगा आप लोगों के सामने ला दूंगा। और इसमें सबसे पहले दौड़ होगा, ठीक है ना? सबसे पहले इसमें दौड़ होगा, बहुत नॉर्मल दौड़ होता है। ये जो दौड़ होता है ना, 6 मिनट टाइम देते हैं सब, तो बहुत नॉर्मल दौड़ होता है, मतलब मैक्सिमम जैसे सभी लोगों का दौड़ निकल जाता है। कितने लोग अंडर हाइट हो जाते हैं और जैसे मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं, रिटेल में सबसे ज़्यादा अनफिट होते हैं सब। तो आप लोग अपना रिटेल मजबूत करना। और ये जो भर्ती है ना, ये पूरे भारत के लिए भर्ती है, आप भारत के किसी भी राज्य से हो, सभी लोगों के लिए यह भर्ती है। अभी आप लोगों को मैं उसका नोटिफिकेशन दिखा दे रहा हूँ, कितना एज, 18 से 35 साल तक इसमें एज मांगा है। तो मैं सारा कुछ आप लोगों को बता दे रहा हूँ। अभी तो मैं खेत में आया था, तो खेत में काम कर रहा था मैं। ये जो सीआरपीएफ की भर्ती निकली हुई है, इसके बारे में सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ। देखो इसका दौड़ सबसे पहले जो होगा ना, दौड़ होगा, और इसका हाइट कितना है, चेस्ट कितना है, कब से कब तक ऑनलाइन होगा, सारा कुछ मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। यहाँ आप लोग देख सकते हो सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट 2021 सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांड के पदों पर भर्ती, देखें डिटेल्स। तो पहले डिटेल मैं बता दे रहा हूँ, और इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ ग्रुप सी का ऑफलाइन फार्म जो था कैसे भरा जाता है, तो इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ, तो इसको भी मैं सारा कुछ बता दूंगा आप लोगों को। पहले नीचे ये देखो, ये सीआरपीएफ वाले हैं सब, तो ऐसे यूनिफॉर्म मिलता है, ये आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर यहाँ सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट 2021 केंद्रीय रिजर्व पुलिस ने असिस्टेंट कमांडेंट के पदों पर भर्ती लिए योग्य इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ये जो नोटिफिकेशन है ये तो जारी हो चुका है, आप लोग देख ही चुके हो। और ऑफलाइन आवेदन 30 जून से शुरू होंगे, जो फार्म भरा जाएगा ना 30 जून से भरा जाएगा। सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती में आवेदन के इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह है कि आवेदन करने से पूर्व नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लें। तो इतना तो आप लोगों को पता ही होगा, कुल रिक्तियों की संख्या इसमें देखो 25 सीट है, ठीक है ना? ये जानने वाली बातें हैं, सीआरपीएफ की जो ऑफलाइन भर्ती निकली हुई है तो पूरा ऑल इंडिया के लिए 25 सीट है, ठीक है? और यहाँ पर 29 जुलाई तक आवेदन किए जा सकेंगे। तो कब से कब तक होगा, 30 जून से 29 जुलाई तक, ठीक है ना? 30 जून से इसका फार्म भरना स्टार्ट होगा और 29 जुलाई तक इसका फार्म भरा जाएगा। ऑफलाइन फार्म है, कैसे भरा जाता है तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, और ये पोस्ट ऑफिस पर जमा किया जाता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ नीचे दिया है आवेदन शुरू होने की तिथि, देखो 30 तारीख से शुरू होगा, 30/6/2021, और अंतिम तिथि कितना है, 29/7/2021, और संख्या मतलब जो सीट है ना सीआरपीएफ की, 25 सीट है पूरे ऑल इंडिया के लिए। यहाँ पर देख लो आप लोग, जैसे कोई भाई जानते हैं कि फर्जी है, फर्जीवाड़ा है, तो अगर आप लोग को विश्वास नहीं होगा तो आवेदन संबंधी किसी भी समस्या पूछताछ के लिए हेल्पलाइन नंबर, तो इस नंबर पर कॉल करके पूछ लेना आप लोग, ठीक है ना? और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये मतलब कितना पढ़ा लिखा चाहिए, शैक्षिक योग्यता आप लोग देख सकते हो, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री, तो ये होना सबसे ज़रूरी है, ठीक है ना? तो सारा कुछ मैं बता दिया हूँ आप लोगों को। और अधिकतम आयु यहाँ पर देख लो, अधिकतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, जो आयु है ना 18 वर्ष से शुरू होगा, और अधिकतम मतलब न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। तो मैं सारा कुछ आप लोगों को बता दिया हूँ। मैं 18 से 35 साल तक एज मांगा गया है, और ये जो भर्ती है ना, आप भारत के किसी भी राज्य से हो, कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना,
भारत के किसी भी राज्य से हो, सभी राज्य के लिए ये भर्ती आई हुई है। लेकिन ऑल इंडिया के लिए इसमें सिर्फ 25 सीट है और ऑफलाइन भर्ती है और कोई फेक नहीं है, उसमें नंबर भी दिया है। कोई भाई को कन्फ्यूजन होगा तो वहाँ से आप लोग पूछ सकते हो। लेकिन यार मेरी एक प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं इस फार्म को भर सकता हूँ। जैसे मेरा ग्रेजुएशन स्नातक नहीं पूरा हुआ है तो इसलिए मैं इस फार्म को नहीं भर सकता हूँ। अगर मेरा मतलब ग्रेजुएशन फाइनल हो गया रहता तो मैं फार्म को भरकर सारा कुछ आप लोगों के सामने दिखा देता, सारा वीडियो ला देता पोस्ट ऑफिस पर जाकर भी, जैसे मैं ग्रुप सी का भरा था। और इसमें पूरे ऑल इंडिया के लिए सिर्फ 25 सीट है सीआरपीएफ की, तो आपको एक सीट से मतलब है, ठीक है ना। जिस भाई का फाइनल होगा, ग्रेजुएशन फाइनल होगा, वो जाकर अपना अप्लाई कर देगा। अभी तो मैं खेत में आया था तो यार मैं कुछ काम कर रहा हूँ। चलो ठीक है भाई लोग, जय हिंद, लव यू। आप लोग अपना तैयारी करते रहो, कोई भी भर्ती आएगा तो मैं बता दूंगा यार।